सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुसीं जुड़ चुके हो साढ़े चैनल दे नाल। इस वक्त दीआं जो तस्वीरां है बाजिकां तों तुहानूं दिखा रहे हाँ कि रात नूं जो 1 बजे जो है रंगोई दा जो बांध है इत्थे टुटदा है अते तुसीं तबाही है वह देख सकदे देख तस्वीरां दे विच जो तबाही है वह तुसीं देख रहे हो कि लगभग 100 किले के अंतराल के अंदर जो ये पानी है वह जा चुकया है। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। पिछले काफ़ी दिनों तो जो किसान ने जो पिंड वासी ने अपने अपने सहयोग से लगे हुए ने इसनों बचाने के लिए, लेकिन पिछों जो पानी है वह काफ़ी तेज़ रफ्तार के नाल है। जो नुकसान है, जो आम किसानों का जो नुकसान है, जो आम जन का नुकसान है, वह तुसीं सीधियां तस्वीरों के विच देख रहे हो कि जो नुकसान है वह काफ़ी हो रहा है। पिछले काफ़ी दिनों तो लगातार जो किसान ने वह मेहनत कर रहे थे इसनों बचाने के लिए, क्योंकि जो घग्गर है वह अपने पूरे उफान पर है। लगातार जो तस्वीर ने साढ़े चैनल के माध्यम राही तुहानू दिखा रहे हाँ कि काफ़ी जो परलो है काफ़ी मची हुई है, काफ़ी हफड़ा दफड़ी है, काफ़ी जगह पर नुकसान हो चुकिया है। अगर पंजाब के नाल लागवें सरदूलगढ़ की गल करिए, सरदूलगढ़ तो काफ़ी दिल नू हिलाउण वालियां जो तस्वीर ने वो सामने आ रही ने। तुहानू बाजेगां तो भी तुहानू तस्वीर दिखा रहे हाँ कि पहला भी 1-2 बार इत्थों जो बन है वह रिस्क चुकिया है, लेकिन किसानों की मेहनत के नाल उसनू काबू पाया गया। लेकिन रात्रि 1:30 बजे दस रहे हैं कि रात में यह बन टुटिया है, जो पानी का जो बहाव है वह काफ़ी तेज़ है। लगातार जो पानी है वो खेतों के वल वधदा होया होर भी जो नुकसान है वह पहुँचा रहा है। आम जन दे नाल गलबात करते हाँ तो जानते हाँ कि किन्नी फसल नूं होर नुकसान लग रहा है, कि जो फसल है वह काफ़ी तबाही दे अंदर है। नुकसान किन्ना हो चुका है? नुकसान जी 100 किले के लगभग नरमा जोना, और सबसे बड़ी बात देखो जी 2 डाणियाँ, और ये इन्होंने कम से कम 6-7 लाख रुपये मोटर पे लगता है बाजे काम में, और ये कम से कम 8-10 मोटरों का भी नुकसान हुआ है। मैं इसका अनुमान तो नहीं लगा सकता, पर अंदाजे से 1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है किसानों का। और ये आप इधर को तस्वीर करके दिखाओ, जहाँ जहाँ तक अपनी निगाह जाती है वहाँ तक ये समुंदर की तरह ये फैल चुका है पानी। लगभग इसको 7-8 घंटे हो गए चलते हुए। बनते कोई काबू भी पाया गया? 2-3 बार टूटा था, काबू पा लिया, टूटा था काबू पा लिया, कैसे करते करते रात फिर ये 1 बजे ऐसा टूटा, हमारे से काबू नहीं हुआ। अब इसकी अब दोबारा कोशिश करते हैं। विधायक से मैंने अब ये अपील की है, गोविंद भाई साहब से भी, मेरे को CTM से कह के पोपलैंड मिले, उन्होंने अभी अरेंज की है, शायद वो आ गई तो हम इसको 1-2 घंटे में बांधने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके मीडिया इरादे से अपील करता हूँ, सारे नेता मेरा साथ दें, राजनीति ना करें। अब मुश्किल समय है किसानों पे, सभी रल मिल के राजनीति ना करके आप फसल बचाएं, गांव बचाएं, और इसको रोकें ताकि कम से कम नुकसान हो, गांव बच जाए, खेत खलिहान बच जाए। ये राजनीति का समय नहीं है, सब रल मिल के इकट्ठे होके किसानों का, गांव वालों का साथ दें, ना कि राजनीति करें। मेरा नाम बरतलाल है जी। हाँ जी, कितना नुकसान हो चुका है? नुकसान तो जी क्या अंदाजा है, अब कितना कितना इसमें खर्चा लगा था। मेरे तो यहाँ 10 किले का खेत है, 10 का 10 डूब गया है बिल्कुल। उधर मोटर का भी नुकसान हो गया है, और इधर चारों तरफ भाइयों के सारों का भी नुकसान हुआ है जी, 100 किले में ये पानी भरा है। अभी बता रहे हैं कि पाइपलाइन है वो पहुंच रही है, अगर बांध पे काबू नहीं होता तो कितना नुकसान मानते हैं, कहां तक जाएगा ये नुकसान? तो जी हो ही लिया और भी होगा, पर अभी बंद जाए तो क्या पता ये पानी पूरी थोड़ा उतरा उतर जाए, बाकी की नुकसान तो हो लिया जी, इतना पानी कैसे सूखेगा यहाँ से। पर अभी बंधनी तो जरूरी है, नहीं तो ट्यूबवेल और सारे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। हाँ जी पटवारी साहब, आप पहुँचे हैं कल से यहाँ पर, रात से किसान है वो मुशद्दत कर रहे हैं, कितना नुकसान मानते हैं, क्या क्या? लगभग 40 से 50 एकड़ के बीच में नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिलेगी, मुआवजा भी मिलने का, इसका प्रारूप तैयार करा जाएगा, मुआवजा भी मिलेगा इसका। प्रशासन से और भी कोई मदद चाहिए वो भी प्रशासन पर लगा हुआ है रात से,